जब पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं तो पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति न्यायालय में मुकदमा दायर कर देते हैं। तो जिस पक्षकार के पास में उस मुकदमे को लड़ने के लिए आय नहीं होती, पर्याप्त साधन नहीं होता, तो उस पक्षकार को इस मुकदमे से अपना बचाव करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यदि आपके पति या पत्नी के द्वारा आपके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है तो आप उसी अपने पति या पत्नी से उस मुकदमे को लड़ने के लिए खर्चा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़। मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां। और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी। तो मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल आपका वकील सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाया करते हैं, जिससे व्यथित होकर के पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर देते हैं। तो यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया हो उस व्यक्ति के पास में यदि आय का कोई भी साधन न हो तो उस व्यक्ति को उस मुकदमे से बचाव करने में बहुत ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 इससे एक उपचार प्रदान करती है कि यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसके पति या पत्नी के द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया हो और उस व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की आय का कोई भी साधन न हो जिससे कि वह अपने उस मुकदमे से अपना बचाव कर सके तथा उस मुकदमे पर होने वाले खर्चों को उठा सके, तो ऐसे पक्षकारों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि वह पक्षकार न्यायालय में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके दूसरे पक्षकार से उस मुकदमे पर होने वाले खर्चों को प्रतिमाह प्राप्त कर सकता है। यह धारा पति तथा पत्नी दोनों पर समान रूप से लागू होती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 यह प्रावधान करती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया हो और उस व्यक्ति पर उस मुकदमे से बचाव के लिए पर्याप्त आय का साधन न हो जिससे कि वह व्यक्ति उस मुकदमे पर होने वाले खर्चों का वहन न कर सके तो ऐसा व्यक्ति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर के अपने विरुद्ध मुकदमा दायर करने वाले पक्षकार से ही उस मुकदमे पर होने वाले खर्चों को प्राप्त कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत अपने उस मुकदमे से बचाव के लिए दूसरे व्यक्ति से खर्चा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस व्यक्ति के द्वारा आपके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे में आपको न्यायालय में उपस्थित होना होता है। उपस्थित होकर के फिर आपको अपने वकील के माध्यम से या फिर स्वयं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत न्यायालय में एक एप्लीकेशन देनी होती है। न्यायालय उस दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए दोनों पक्षकारों को उस प्रार्थना पत्र पर सुनता है। सुनने के बाद यदि आपके द्वारा दायर किए गए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सही पाता है तो वह आपके पक्ष में निर्णय देता है तथा दूसरे पक्षकार को यह आदेशित करता है कि वह आपके द्वारा मांगी गई धनराशि या फिर न्यायालय जो उचित समझे उस धनराशि को वह दूसरा पक्षकार आपको प्रतिमाह प्रदान करे। न्यायालय को ऐसे प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल दूसरे पक्षकार को दी गई जानकारी के 60 दिन के अंतर्गत करना होता है। मित्रों, आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।